नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट को या फिर स्टॉक को या फिर इंडेक्स के किसी भी लेवल पे आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, और आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है वो जरूर लीजिए। तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एजुकेशनल वीडियो। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे हमारी आज के दिन की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसके परफॉर्मेंस के साथ में शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों फ्राइडे को जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ था उस दिन आप लोग को बताया था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। दो दिन हम लोगों को बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा था, और इतने बुलिश मार्केट पे भी मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन इसे ब्रेकडाउन आने के चांसेस बहुत कम है, तो मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग में हम लोगों को निफ्टी में रिजेक्शन देखने को मिला था, लेकिन बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। एग्जैक्टली हमारा जो लेवल 4 लेवल ऑफ रिवर्सल है जो कि हर वीडियो में आप लोग के साथ में डिस्कस करता हूँ, 52,054 का यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बना और उसके बाद में काफ़ी शार्प फॉल यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी पे देखने को मिला था। अगेन एक बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन सेम ट्रेंड लाइन जिसके जिस रेजिस्टेंस क्रिएट करके यहाँ से गिरने की उम्मीद हम लोगों को मॉर्निंग में थी, एग्जैक्टली सेम लेवल से अगेन एक शार्प फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। यानी कि बैंक निफ्टी में आज बहुत शानदार मूव्स हम लोग को देखने को मिले थे और उसी के साथ ही बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे। निफ्टी के साथ में अगर बात करेंगे तो निफ्टी में गैप अप ओपनिंग दिया था 24,972 के हमारे लेवल को, इसने मॉर्निंग में रिजेक्शन लिया था जो कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट भी कर लिया था फ्राइडे के दिन। देन यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था 24,863 जो कि हमारा बाय अबो का मैजिकल लेवल होता है। यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला था, सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे कंटिन्यू हुआ एंड देन एक काफ़ी शार्प फॉल जो है वो निफ्टी में भी आज हमें देखने को मिला था। ओवरऑल दोस्तों इन लेवल्स के साथ में हमारी जो एक्यूरेसी है वो बरकरार है और मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन रखने की। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है। लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरे प्लैटिनम ग्रुप को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने लाइव मार्केट के जो सेटअप्स है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहता हूँ। तो उसका लाभ आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ। इसके बाद में वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। लेकिन दोस्तों सीधा टिप्स में आ रहा था इसलिए हम लोगों ने अपने वो सीरीज को कुछ दिनों के लिए पॉज करके रखा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शंस पे भी ट्रेड करते हैं तो मैंने अपनी स्टॉक ऑप्शंस वाली स्ट्रेटजी स्क्रीनर के साथ में बहुत डिटेल में यूट्यूब पे डिस्कस की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे करके रखा हुआ है। अगर स्टॉक ऑप्शंस पे भी ट्रेड करते हैं तो वीडियो को जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो साबित हो सकता है। वीडियो में हम लोग आगे जाकर के डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में। पहले एक बार इसका प्रेडिक्शन चेक कर लेते हैं। दोस्तों निफ्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो पिछले दो दिन बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बैंक निफ्टी जो है ऊपर के साइड में उठी थी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों है मैंने आप लोग को कल के वीडियो में यानी कि फ्राइडे के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, और उस हिसाब से आज हम लोगों को रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर से इसका लो चला जाता है और एक रेड कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न हम लोगों को दिखाई देगा, उसके बाद में काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड हम लोगों को एक्सपेक्टेड है। तो आज के दिन का जो डे लो है वो कल के दिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे लिए। ओवरऑल अगर हम लोग दोनों ही इंडेक्स पे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाकर के चेक करेंगे तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन हम लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे, जिसे ब्रेकडाउन जो है वो कल के दिन में जाना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर जाता है तो निफ्टी हम लोगों को मॉर्निंग सेशन में बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। 24,847 के नीचे यहाँ पे निफ्टी वीक
हो सकती है 24,801, 24,757, 24,688 और 24,621 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 24,907 के ऊपर निफ्टी यहाँ पे बुलिश हो सकती है, 24,966, 25,030, 25,103 और 25,157 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन किया हुआ है, इसको अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए टेस्ट करना है तो सबसे बेहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है, अब ऑब्वियसली चीज है ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पे ट्रेड करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो हम लोगों की यहाँ पे कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग उसे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम करता है। वहां पर भी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक जो है इसके प्रेफरेंस देता हूं 5 मिनट की कैंडल कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब दोस्तों यहां पे कैंडल क्लोजिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है जो कि आप लोग वॉल्यूम देख करके जो है यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपसाइड के लेवल्स या फिर डाउनसाइड के लेवल्स, ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम जो है वो लाइव मार्केट में करते हैं। साथ में दोस्तों मेरी मैजिकल लेवल्स की जो थियरी है इसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए हैं इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इन लेवल्स के साथ में लेवल 4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है जिसके ऊपर भी आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना जो है वो होता है। दोस्तों आज हमें बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा क्रॉस कनेक्शन मॉर्निंग सेशन में देखने को मिला था। निफ्टी और मिड कैप एक अलग डायरेक्शन में थे और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों ही अलग डायरेक्शन में थे। इनफैक्ट मिड कैप का तो अपना अलग ही ट्रेंड था आज के दिन में, सो वो क्रॉस कनेक्शन कल मॉर्निंग में हम लोगों को यहाँ पे देखने के थोड़े से चांसेस मुझे लग रहे हैं। दोनों ही इंडेक्स अभी फिलहाल के लिए एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे हैं, अगर दोनों में बाउंस बैक कल मिल जाता है मॉर्निंग सेशन में तो ही हम लोगों को एक अप ट्रेंड जो है वो एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन मिल जाता है तो मेरे हिसाब से मार्केट कल के दिन में नीचे आने के चांसेस थोड़े से लग रहे हैं। 51,600 के नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है, 51,453, 51,315, 51,168 और 51,028 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 51,770 के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश हो सकती है, 51,903, 52,034, 52,206 और 52,344 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।